करने का मनसा नहीं है, केवल ये बातें बनाते रहना है। तो मसला को मसला ही नहीं समझते वो। तो ये लास्ट 5 साल है, वरना इसके बाद भी भाजपा का भी विकल्प हमें देखना पड़ेगा। हम बीजेपी से ये चाहते हैं, योगी सरकार से, कि यमुना जी का अवतार हो। बीजेपी सरकार के गठन के चंद रोज शेष हैं। मथुरा वासियों को एक बार फिर नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन नई उम्मीदों को लेकर क्या कुछ कहना है धर्मनगरी मथुरा के लोगों का, जरा आप भी सुनिए। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ चर्चा। चर्चा इस बात की कि एक बार भाजपा की सरकार का पुनर्गठन होने वाला है, उन्हें काबिज हो चुकी है और उसका शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। दूसरी बार भाजपा जो अपनी प्रचंड बहुमत से जीती है, और इस बार लोगों का क्या विचार है, कुछ अधूरे कार्य, कुछ अधूरे विकास जो रह गए थे और कुछ उम्मीदें, क्योंकि भाजपा एक बार फिर प्रबल रूप से आई है, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं भाजपा सरकार से, नई जो सरकार आ रही है दोबारा भाजपा के रूप में, क्या कुछ उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा है? हम तो भैया ये उम्मीद रखते हैं, मैं एक शीर्षक हमेशा अपनी लाइफ पे देता हूँ, मैं और मेरी मथुरा। कैसी होनी चाहिए वो, कि मैं और मेरी मथुरा। अब ठीक है, राजनीतिक से हिसाब से नहीं कह रहा मैं, कि पहले धर्म को न मानने वाली या हिंदुओं की पहचानों को मिटाने वाली सरकारें रहीं, ये तो अब सब लोग समझ चुके हैं जो भी सनातनी है और हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब बात वहीं आ जाती है कि 5 साल से यहाँ पर सरकार, महानगर पालिका, सब कुछ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो तीर्थों की बात करते हैं, जो यमुना गंगा की बात करते हैं उनकी है, और जो श्री राम की बात करते हैं और जो श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो ये सब काम जब तक कृष्ण की भूमि को या कृष्ण की नगरी को तुम कृष्ण के लेवल जैसा नहीं बनाओगे, तब तक आप, मेरी समझ में तो आप फिर केवल झूठे वादे, और आपको करने का मनसा नहीं है, केवल ये बातें बनाते रहना है। तो अब मैं वहीं आता हूँ तुम्हारे पॉइंट पे कि आपको क्या उम्मीद है। तो मैंने जैसा कहा कि मैं और मेरी मथुरा, तो मथुरा तो एक इंडिया लेवल पे नहीं, भारत लेवल पे नहीं, विश्व लेवल पे पहले से ही पहचान रखती है अपने आप में। इसको न कोई बीजेपी वाले इसको पहचान देंगे, न कांग्रेस वालों ने। अब इसको हम कैसा बना सकते हैं जो लगे कि नहीं, हाँ ये कृष्ण की नगरी है। अब ये काम तो हो नहीं रहे, पैसे हजारों करोड़ आ रहे हैं, हम किसी से भैया हिसाब तो मांग नहीं रहे, लेकिन बातें तो सब आती हैं। जगन्नाथ जी हैं, तो मैं आपसे बात जगन्नाथ जी जानना चाहता हूँ कि 5 साल में अधूरे कार्य जो कुछ रह गए, बहुत सारे विकास कार्य होने हैं, जिसमें अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यमुना को भी शामिल किया गया, बात ये भी आई है कि केवल इस घाट को नहीं, सामने वाले घाट को भी सामने की साइड भी की जाए। जैसे वैसे भाई साहब ने कहा था हरिद्वार की तरह इस साइड भी और उस साइड भी होना चाहिए, तो उससे पर्यटक भी आएंगे। और मथुरा तो मूल जड़ है, और जड़ को ही पहले इसको सही नहीं करेंगे आप शाखाओं पे लग रहे हैं, मैं ठीक हूँ, वो भी होना जरूरी है। वृंदावन भी करिए, बरसाना भी करिए, पर यही नहीं कि केवल वृंदावन, मथुरा की तरफ कोई ध्यान ही न दिया जाए। मथुरा की तरफ बिल्कुल, मथुरा का मेन विश्राम घाट है, उसकी तरफ कभी नहीं देखा कि हाँ इसको कोई बढ़िया जगह, हरिद्वार में हर की पौड़ी को बुलाया गया है, काशी में मणिकर्ण का, और ये दशाश्वमेध घाट, और ये आप देखेंगे, आप एक से एक देखने लायक है चीज, तब ये खुश हो जाए। मथुरा में, मथुरा को ऐसा नेगेटिव कर दिया है यहाँ के कुछ तत्वों ने, तो मथुरा को मथुरा ही नहीं समझते वो, ये समझते दुनिया क्या बतलाएगी, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कंस को कहाँ मारा, अरे मारा तो मथुरा में है, ये तो लीला की है इसने, ये हमारे बड़े क्षेत्र में 84 कोस में इसने लीला की है। अरे थोड़ा अब तो ध्यान है, ठीक है, बहुत एक आपदा भी आई थी, उस आपदा में बहुत कुछ बड़े बड़े विचलित हो जाते हैं, पर मैं मोदी जी का इसमें बहुत कुछ मानता हूँ कि मोदी जी जैसा आदमी, साहसी पुरुष जितना भी कहा जाए, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहसी पुरुष है इस समय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांक्षी अवंतिका, मथुरा किसी की मोहताज नहीं है तीर्थ बनाने के लिए और बनवाने के लिए, और माँ यमुना है तभी मथुरा है, मथुरा है तो माँ यमुना है, मातृ न सम्भो देवो विश्रांतो न सम्भो तीर्थो, विश्राम घाट जैसा कोई दुनिया में तीर्थ नहीं है, चाहे चारों धामों और सात पुरी हों,
विश्राम घाट पर एक बार स्नान करने से यमराज के फंदे से मुक्ति मिलती है और सारे संसार में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है जहाँ के प्रभु ने स्वयं जन्म लिया है और हिरण्यकश्यप को मार करके बाराज जी ने ला करके इस पृथ्वी को यहाँ स्थापित किया है। उस समय मथुरापुरी ही थी जो जो भगवान का हार्ट है, जो शरीर में अपने में हार्ट होता है ऐसे ऑल दुनिया का ये हार्ट है और इस हार्ट को अगर संभाल नहीं सकते हैं आने वाले लोग तो जनता जनार्दन ने बहुत आशाएं अपेक्षाएं लगाई मोदी जी से और योगी जी से। क्या लगता है आपको दोबारा सरकार आ रही है तो उम्मीद? पिछले कार्यकाल में जो भी हुआ अच्छा हुआ, जरूरी होना था वो भी हुआ, लेकिन जो प्रिवेंशन से सबसे प्रमुख रूप से होना चाहिए था वही नहीं हुआ और आने वाले समय में हमारी यही उम्मीद है इस नाले को यहाँ से समानांतर नाला वृंदावन से गोकुल के आगे ले जा करके आप इसको सीवेज में दीजिए, अन्यत्र प्रयोग करिए, जैसा कि भाजपा का नारा है किसान की पैदावार को डबल करेंगे। देखिए सर, ये उन्नति होना, आगे बढ़ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है और इस देश की अगर शुरू से शिक्षा, जब से अंग्रेजों ने, बल्कि उनसे पहले भी जो इन्वेडर आए अटैक किया, अशिक्षा यानी नॉलेज की कमी, आज भी शायद यही है। हमें पता ही नहीं कि नदियां साफ कैसे होंगी, हमें पता ही नहीं कि ये हमारा जो नदियां हैं, जमुना मैया जिसको हम बोलते हैं, ये केवल धार्मिक आस्था ही नहीं और ये केवल प्राकृतिक रिसोर्स ही नहीं है, ये हमारा ये आर्थिक रिसोर्स भी है, ये हमें पता ही नहीं है। और शायद इस पर हम काम करने के लिए सोच भी नहीं रहे कि अगर हम पे नॉलेज नहीं है इसको साफ करने की, इसको मतलब उस रूप में जिस रूप में हमारे बेटे होने के लिए हम चाहते हैं, बेटे होने के नाते एक माँ का स्वरूप चाहते हैं। अगर आप देखें अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री जिनको हम फॉलो करते हैं, वहाँ थेम्स नदी को देखिए आप नाइल को देखिए, तो जो स्वरूप उन्होंने बना दिया, जबकि वो माँ नहीं मानते, लेकिन वो जानते हैं कि वो नदी उसके लिए कितने तरीके से उसको फायदा या जो भी कही है कि हम ये क्या आदमी एक स्वार्थी आदमी है, वो सब अपना फायदा कहिए, चाहे आर्थिक कहिए, चाहे मानसिक कहिए, चाहे संसारिक कहिए, चाहे किसी भी रूप में स्पिरिचुअल कहिए, तो ये सब सारी बातें हम सब जानते हैं, लेकिन अशिक्षा आज भी व्याप्त है। हम शायद उस कागज पे काले अक्षरों को लिखना या नीले अक्षरों को लिखना ही शिक्षा मानते हैं, तो हमको इतना सेंस नहीं है कि अगर हमारे देश में उस टेक्नोलॉजी को हम डेवलप नहीं कर पाए कि इनको कैसे साफ करें, तो बाहर से लें। हम इतनी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं और शायद विपक्ष को भी इसका पता नहीं कि वो किन बातों पे, मोदी जी कहो, योगी जी कहो, डेफिनेटली हमने पसंद करते हैं इसीलिए दोबारा सरकार आई, इसके लिए मुझे कहना या कोई गवाही देने की जरूरत नहीं, बट दिस इज ट्रू कि हम लोग शायद असली जो कारण है वो नहीं समझ पा रहे और वही अशिक्षा ही है। आज भी हम अशिक्षा से ही परेशान हैं। आप भी हैं, क्या लगता है कुछ मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए यमुना को लेकर, क्योंकि श्रद्धा और भावना भी जुड़ी हुई है, लोग अब आचमन से कतराने लगे और यही हाल रहा, अगर यही इस तरीके का आचमन से कतराते रहे तो भविष्य का देखें तो बड़ा कुछ तस्वीर अलग नजर आती है। जी मैं कहूँगा ये शायद आखिरी 5 साल होंगे जनता के धैर्य के, जो जनता विश्वास कर रही है, उसके बाद समस्याएं आएंगी भाजपा के लिए। अभी भाजपा से ही उम्मीद है और किसी पार्टी से उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि उन सबका हमने साधन देखा है, कहीं ना कहीं जाकर उम्मीदें रुकती हैं तो हमारी भाजपा से ही रुकती हैं, मोदी जी से रुकती हैं, योगी जी से रुकती हैं, वरना और कहीं वो उम्मीदीकरण नहीं है। आम जनता है, हमारी समस्याएं समान हैं सबों की, आप देख लीजिए यमुना जी का क्या हाल बना रखा है, धरातल पर काम दिखना चाहिए, ये नहीं कि बस दिलासे अब ये हो रहा है, अब तक ये हो रहा है, SMTP में हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका अभी तक मेरे शायद मैं जो बैठा था थोड़ी देर से सुनना था और सब लोग में से भाइयों जिक्र करना भूल गए, आवारा पशुओं की, बंदर वगैरह, बहुत खतरनाक तरीका है ये, आदमियों की जान के दुश्मन है, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं कि लोग चोटिल ही नहीं मर जाते हैं इनके कारण, चोटिल होकर मर चुके हैं इनके कारण, और न जाने क्यों इन पर कोई एक्शन नहीं, किसी तरह का कोई नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक ने, यहाँ की पब्लिक, लोकल पब्लिक ने काफ़ी आंदोलन भी किया, आप विश्वास कीजिए, आप गलियों में जाके देखिए, आप लेके आप एक, मैं लेडीज़ की और बुजुर्गों की बात छोड़िए, अच्छा खासा जेंट्स बिना डंडे के नहीं निकल सकता है, इतनी प्रॉब्लम है। हमारी समस्या क्या है कि हमारे जो एम है वो कहीं ना कहीं जाके भाजपा से मिलते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यही हमारे काम करेगी, यही मेरा कहने का मतलब है। तो ये लास्ट 5 साल है, वरना इसके बाद भी भाजपा का भी विकल्प हमें देखना पड़ेगा, और ये इन्होंने जो कहा है वो ही पूरा कर दें, डन डन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, 5 साल बाकी है, ये 5 साल अंतिम भी हो सकते हैं, बशर्ते जो यमुना भक्त हैं
और मथुरा जो धर्म की नगरी है उसकी दशा और दिशा सुधारी ना जाए। क्या कुछ कहेंगे योगी दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, भाजपा सरकार फिर आ रही है, कुछ अधूरे कार्य कुछ और कार्य जो रह गए हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? देखिए पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं, अच्छा है कि भाई हिंदुत्व की सरकार आई है, लेकिन दूसरी बात है कि पुराने 7 साल निकल गए, अभी भी यमुना जी की आप दशा देख रहे हैं, कोई नाला तो रुका नहीं है, और 1700 करोड़ रुपये नमामि गंगे के पहले भी आ चुके हैं, उसमें भी एक भी नाला बंद नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले सरकार की योजना सही तरीके से बने, कोई योजना बने जिससे कि वृंदावन से लेकर गोकुल बैराज तक यमुना किनारे पाइपलाइन डल जाए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, और सारे नालों को गोकुल बैराज से आगे ले जाए, तो हमारा मथुरा तो जनपद वैसे ही निर्मल हो जाएगा। अब आप बातें करते हो करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की, उससे क्या लेना है? वहाँ विगत 5 साल में 500 करोड़ रुपए नमामि गंगे के खर्चे हो चुके, 1700 करोड़ रुपए अदर प्रोजेक्ट में खर्चे हो चुके। आप देखिए यहाँ से लेके विश्राम घाट से बंगाली घाट का एरिया 1 किलोमीटर का है द्वारकाधीश तक का, जहाँ सैकड़ों यात्री आते हैं, सड़क की दुर्दशा देख लो, या पानी में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है। चलो उत्तर प्रदेश में जल नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन तीर्थ विश्राम घाट की और कृष्ण के का जो घर है मथुरा, उसकी मर्यादा बनाने के लिए तो आप नालों को आगे ले जा सकते हैं। अब ये तो 50 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट है, आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करते रहिए, उससे क्या लेना है? कि नई सरकार का गठन होने जा रहा है, उससे क्या उम्मीद है? नई दोबारा सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार एक बार फिर आ रही है, क्या कुछ उम्मीद है आपको? भाजपा की सरकार से पूर्ण उम्मीद है, अभी तक जो इतनी उम्मीदें थी उन्होंने सबको पूरा किया है, आगे भी सारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमको भाजपा से, और इसीलिए हमने उनको वोट दिया है। सबसे पहले हमारी यमुना माँ का शुद्धिकरण हो, ऐसी सभी यहाँ के ब्राह्मणों की और सभी यहाँ की जनता की ऐसी मान्यता है कि अब जो सरकार हमने चुन के भेजी है दोबारा से बहुमत से लेके आए हैं, मथुरा की 500 सीट बीजेपी के नाम हुई हैं, तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए यहाँ की जनता को। हम बीजेपी से ये चाहते हैं, योगी सरकार से, कि यमुना जी का अवतार हो। बिल्कुल, देखिए किस प्रकार से भी बातचीत हो रही थी, क्या कुछ उम्मीदें लेके चले हैं यहाँ के लोग। एक बार दोबारा भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से आई है, कुछ विकास कार्य जो अधूरे रह गए वो पूरे हों, और किस प्रकार से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मथुरा धर्म की नगरी है और यहाँ की माँ यमुना कहलाती हैं। यमुना को लेकर सबसे ज़्यादा सभी लोगों ने, यमुना पुत्रों ने जोर दिया, क्योंकि वो पूजा अर्चना करते हैं रोजाना शाम को घाट किनारे आकर, जब वहाँ यमुना में प्रदूषण देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित होता है। हमारी बुजुर्ग से बात हुई तो वो जिक्र करते करते उनकी आंखों में आंसू से आ गई। सही बात है, क्योंकि लोग यहाँ के धर्मपरायण लोग हैं, यमुना माँ के रूप में, महारानी के रूप में जानी जाती है, और सभी ने यहाँ के सौंदर्यकरण के बारे में जानकारी दी, क्योंकि पिछली आप देखिए नज़र मारिए वहाँ जो घाट है वो पूरी तरीके से बना नहीं है, वो घाट बिल्कुल कच्चा घाट है, उस घाट को भी बनना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हम योगी सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हरिद्वार में लक्ष्मण झूला बना हुआ है, यहाँ भी एक ऐसा लक्ष्मण झूला टाइप का बनाया जाए, दोनों तरफ के घाट एकदम निर्मल और स्वच्छ हों, यमुना भी पूरी तरीके से स्वच्छ हो। और इसके अलावा यहाँ के जो यातायात की समस्या प्रबल रूप से है, क्योंकि मथुरा एक बड़ा कंजेस्टेड शहर है, शहर की सड़कें छोटी पड़ जाती हैं, इसको लेकर कोई मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, उसको लेकर कुछ लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने पुल बनाने वाली बात की, अन्य स्थानों पर पुल बना हुआ है, उन्होंने कहा कि यहाँ भी अगर पुल बनाया जाएगा, यहाँ एक कॉरिडोर टाइप का बना लिया जाएगा, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ बहुत सुविधा मिलेगी, उसके साथ अगर यमुना शुद्ध होगी तो श्रद्धालु पुराने तरीके से दोबारा इसका आश्रय लेना शुरू कर देंगे। ऐसी लोगों की योगी सरकार जो फिर दोबारा आई है प्रचंड बहुमत से, ऐसी उम्मीद है। अपने साथी राहुल के साथ हेमंत शर्मा, जी 9 न्यूज़ के लिए।